सूरज से लेकर धरती तक, भारत से लेकर चीन तक कुदरत का कहर जारी है। राजस्थान में आकाशीय बिजली गिरने से भारी तबाही मची है, तो वहीं चीन में भारी बारिश और तूफान से इमरजेंसी लगानी पड़ी है। आज सूरज से धरती की तरफ बढ़ रहे सोलर तूफान के टकराने की संभावना भी है। लेकिन ब्रेकिंग न्यूज में सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली के टीकरी कला इलाके में लगी भीषण आग की। भयंकर आग वहां पर लगी है, तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। दिल्ली के टीकरी कला पीवीसी मार्केट में भीषण आग लग गई है। हरियाणा के बॉर्डर पर स्थित टीकरी कला के पीवीसी मार्केट के गोडाउन में बीती रात 8:30 बजे आग लग गई। बीती रात 8:30 बजे से सुबह तक आग धधकती रही और बताया जा रहा है कि अभी भी आग बुझाने की कोशिशें की जा रही है। पूरी तरीके से आग पर काबू अभी भी नहीं पाया गया है। फायर ब्रिगेड की 40 गाड़ियां और फायर ब्रिगेड के 200 जवान आग पर काबू पाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। और वहीं से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के टीकरी में ये पीवीसी मार्केट जो धू धू कर इस वक्त जल रही है। अभी तक जो जानकारी है करोड़ों के नुकसान की बात सामने आ रही है। आग से पीवीसी मार्केट का करोड़ों का सामान जलकर खाक हो चुका है। तेज हवा के चलते रात भर फैलती रही आग। बताया जा रहा है कि पहले आग एक दुकान में पकड़ी थी, लेकिन देखते ही देखते पूरी मार्केट को आग ने अपनी चपेट में ले लिया है और अभी भी पूरी तरीके से आग पर काबू नहीं पाया गया है। करोड़ों के नुकसान की खबर है। रात 8:30 बजे की घटना है जब पीवीसी मार्केट में आग लगी। देखिए तीन तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप धुएं का गुबार देख सकते हैं और इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आग ने विकराल रूप ले लिया है। दूसरी तस्वीर है भीषण आग की लपटें आसमान को छू रही हैं और वहीं तीसरी तस्वीर है मौके पर दमकल की गाड़ियां तैनात हैं। सोचिए 200 फायर फाइटर्स इस वक्त आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आग इतनी भीषण है कि अभी तक पूरी तरीके से बुझी नहीं है, इस पर काबू नहीं पाया गया है। आग अपने एकदम पूरे विकराल रूप में है। ये काफ़ी बड़ा इलाका है जहाँ पे सैकड़ों जो पीवीसी की ओपन मार्केट में दुकानें हैं वो मौजूद हैं। यहाँ पे प्लास्टिक की खरीद फरोख्त का काम होता है और आप देख सकते हैं किस तरीके से आग जो है वो पूरी जगह पे फैली हुई है। तेज़ हवा लग के कारण आग जो है वो ट्रैवल कर रही है, जो बगल के प्लॉट्स हैं उनको भी आग ने कवर कर लिया है। मौके पर दिल्ली दमकल विभाग की करीब 40 गाड़ियाँ आ चुकी हैं, 15 गाड़ियाँ लगातार काम कर रही हैं, 200 से ज़्यादा दमकल कर्मचारी मौजूद हैं जो आग को बुझाने का काम कर रहे हैं। दमकल कर्मचारियों का कहना है कि जो तेज़ हवाएँ चल रही हैं उससे आग बुझाने के काम में दिक्कतें आ रही हैं। महीने पहले इस मार्केट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट को एक लेटर दिया जाता और बताया गया था कि जो ओपन मार्केट है उसमें अपनी दुकानों को उनको कवर करवा लेना चाहिए, जिससे अगर कोई हादसा होता है तो वो हादसा एक जगह तक सीमित किया जा सके। लेकिन जो मार्केट प्रेसिडेंट है उन्होंने इस बात को इग्नोर करा। और वही खबर राजस्थान से जहां पर बिजली गिरने से 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। जयपुर के आमेर महल में जो वॉच टावर बना था उसी पर बिजली गिरी और 11 लोगों की मौत बिजली गिरने की वजह से हुई। 30 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। अलग अलग जगह राजस्थान के इलाकों में घटना देखने को मिली है जहां पर आकाशीय बिजली गिरने से लोगों की जान चली गई है। बिजली गिरने से कोटा में 4, धौलपुर में 3 लोगों की मौत हुई है। राजधानी जयपुर में 12 लोगों की जान चली गई है। ये आफत वाली भारी तबाही राजस्थान में देखने को मिली है। बिजली गिरने से 20 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। राजधानी जयपुर में 12, कोटा, धौलपुर और इसके अलावा और भी इलाके हैं जहां आकाशीय बिजली गिरी है और लोगों की जान चली गई। कुछ लोग गंभीर रूप से इस वक्त घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज अस्पताल में जारी। पांच तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बिजली गिरने से 20 लोगों की मौत राजस्थान के अलग अलग इलाकों में हुई है। और जो तस्वीर हम आपको दूसरी दिखा रहे हैं वो आमेर महल की। आमेर महल में वॉच टावर पर जैसे बिजली टकराई और लोग उससे हताहत हुए, कुछ लोगों की मौत हुई, कुछ लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। मौके पर रेस्क्यू टीम पहुंची उन्हें बचाने के लिए। और इसके साथ ही आमेर महल में जो हादसा हुआ उसके बाद मची अफरा तफरी की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। घायल अस्पताल में भर्ती करवाए गए उन्हें प्राथमिक उपचार दिलाने के लिए। ये कुदरत की तबाही जिसके बाद राजस्थान में 20 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।